अभी मजा आएगा ना अपन खाएंगे तो, है ना? यम्मी यम्मी गोला। काला खट्टा ज्यादा डालना। ये लो बेटा आपका काला खट्टा गोला। थैंक यू। कितना हो गया? 40 रुपया मैडम। भैया 40 छुट्टे तो नहीं है, ये लो। छुट्टा किधर से मिलेगा भैया? नहीं है ना, देखो ना आपके पास होगा। लाओ देखता हूँ। हाँ देखो। भैया आप तो छुट्टे रखा करो ना। बालून वाले अंकल रुको। ठीक है, थैंक यू भैया। चलो पल 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 भैया आपने आपने इस बच्ची को देखा है? जी नहीं मैडम, नहीं देखा। दीदी कहाँ है आप लोग? खाना तैयार है। सुनंदा पलक मिल नहीं रही है। क्या पलक मिल नहीं रही? दीदी पलक कहाँ है? अभी तो मेरे साथ थी पर पता नहीं कहाँ चली गई वो। सुनंदा क्या हुआ? क्या हुआ पलक को? किधर है पलक? दीदी पलक मेरे साथ ही थी। मैं वहां पैसे दे रही थी और जब पलटी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरी बच्ची वरुण, मेरी बच्ची कहाँ खो गई है? वरुण कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी। सुनंदा संभालो अपने आप को, मिल जाएगी पलक। वरुण मैं पूरी मार्केट देख चुकी हूँ, पलक कहीं नहीं है। पूरा मार्केट देख लिया? मुझे लग रहा है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? वरुण मेरी पलक के साथ कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा पलक, मिल जाएगी। हेलो तू? हाँ बस बस बस, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। थैंक यू दोस्त फोन करके बताने के लिए। कौन छोड़ के गया पलक को? पता नहीं साहब, अरे ड्यूटी करके आ जाएंगे। बस एक गाड़ी आई थी, पलक को यहाँ गेट के बाहर छोड़ के चली गई। पलक क्या हुआ? मम्मी गाड़ी में कौन था? नहीं देख पाया साहब। पलक अभी ठीक ठाक वापस आ गई ना, यही बहुत। पलक बेटा कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पे? देखा आपने गाड़ी में कौन था? कुछ तो देखा होगा आपने। वरुण प्लीज अभी रहने दो ना, सुना कितनी डरी हुई है ये। हाँ दीदी, और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? पलक सिर्फ 6 साल के, कितना डर गई है वो, समझ रहे हैं आप? और आपको क्या लगा कि माँ बनना इतना आसान है? हर वक्त बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है। आप पलक को गोद लेने वाली थी ना, सिर्फ बच्चा चाहने से कोई माँ नहीं बन जाता। सुनंदा क्या बोले चले जा रही हो? चलो पलक को लेके घर चलो। दुख की चिंगारी को जितनी हवा दी जाए वो सीने में शोले की तरह उतना ही भड़कती है। इंसान के दिल दिमाग के हर कोने में एक टीस उठती रहती है, भले उसका दर्द कम हो जाए लेकिन एक मलाल रह जाता है। किसी अपने को खोने का मलाल, अपने दिल की मुराद को पूरी ना कर पाने का मलाल। अच्छे से अच्छा इंसान भी जिंदगी की ठोकर खाकर कई बार अपना आपा खो बैठता है और ना चाहते हुए भी उसके कदम अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। दादा दादा हो गया। दादा मैं निकलूं, वो क्लास के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरुण ये तूने हिसाब किया है, सब गलत है। सिर्फ एक सिंपल सा काम नहीं होता क्या? सॉरी दादा, मैं वापस आके दोबारा कर दूंगा, अभी क्लास जाने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। क्लास सब दिखा दे रहे लाए, तू कितना पढ़ाई कर रहे लाए कोचिंग में? पढ़ाई के नाम पे से तेरे ऊपर पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अंदर जा और देख बिस्किट के कार्टन आए वो बराबर है कि नहीं है, चल जा ना। आनंद तुम अभी रिपोर्ट्स में जितनी भी मिस्टेक्स है आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई राइट नाउ, ओके? तुम्हें पता है मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट। हाँ मैं आता हूँ एक आध घंटे में। क्या हुआ? काम का बहुत प्रेशर है। कुछ नहीं हो कल की मीटिंग के बारे में। तुम बताओ क्या हुआ, फोन पर इतनी अपसेट क्यों साउंड कर रही थी? पलक, पलक, आप पलक को गोद लेने वाली थी ना, सिर्फ बच्चा चाहने से कोई मां ही बन जाता। नहीं कुछ नहीं अनु। शगुन कुछ तो हुआ है और तुम बताओ क्या हुआ था? वो आज मैं मार्केट गई थी ना तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम, किसका फोन है? कुछ नहीं ऑफिस से, तुम बता दो क्या कह रहे थे? एक काम करो तुम अभी ऑफिस जाओ, रात को आराम से बात करते हैं। Are you sure? Yes. Okay. सुनो तुम रात को तैयार है ना, मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए टेबल बुक किया, ओके? आनंद आज रहने देते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं, आज ही जाए। अरे भाई आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तैयार है ना रात को 9 बजे शार्प। अरे आई लव यू, बाय, सी। अरे आनंद, अरे तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो? शगुन के साथ में था। हाँ ठीक है मैं आता हूं। शगुन, शगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस देखने आई थी कि ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तुम। शगुन तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप लाइंग आनंद, स्टॉप इट। हमारी एनिवर्सरी वाले दिन तुम यहाँ इसके साथ? शगुन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मैंने आनंद को। जस्ट शट अप कल्पना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर। रोहिणी बेटा ये लास्ट बाइट खा लो। वाह सही है तुम लोगों का, मैं उधर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं और तुम लोग यहाँ आराम से बैठ के ना मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अरे कम से कम मेरा इंतजार तो कर लेते। वो रोहिणी के सोने का टाइम हो गया था इसलिए। दीपक शांत हो जा, बैठ, मैं तेरे लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। अरे ये यहाँ साहब के जैसा बैठा रहेगा? तेरे से दुकान में कोई काम तो होता नहीं है, कम से कम घर में कुछ काम कर ले। चल जा तेरे लिए खाना ले गया, जा। ये घर में भी कौन सा काम का है? घुर गया रहा है, जाना खाना ले गया। अरे अरुण खाना निकालने में इतना टाइम लगता है क्या? ये लड़का किसी काम का नहीं है।
आप लाएंगे आनंद। स्टॉप इट। लाइट्स क्यों बंद रखी है? शगुन, शगुन कहाँ हो तुम? शगुन, विक्टिम का नाम शगुन कुलकर्णी है, उम्र 32 साल और यहाँ घर में अपने पति आनंद के साथ ही रहती थी। बड़ी बेरहमी से मारा है, पेट, छाती और गले पर वार किया। एक कपड़ा पड़ा है जिसमें खून लगा है, शायद कातिल ने हथियार उसी से साफ किया। घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री या स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। जब विक्टिम का हस्बैंड घर पे आया तो उसने विक्टिम को मरा हुआ पाया। सुरेश, अंदर चेक। मिस्टर आनंद, ये जब हादसा हुआ आपकी बीवी घर पर अकेली थी? हाँ। आपके बच्चे? हमारे बच्चे नहीं है। ये ब्लाउज मैं लाया था, आज हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, हम दोनों डिनर पर जाने वाले थे। घर से कोई कीमती सामान चोरी हुआ है? नहीं सर, सिर्फ शगुन का मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैं घर आने से पहले उसे लगातार फोन कर रहा था, वो उठा ही नहीं रही थी, फिर उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। सर, बाहर कोई वॉचमैन नहीं है और पड़ोसियों का ये भी कहना है कि उन्होंने किसी को अंदर आते जाते देखा नहीं। तो फिर शगुन को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? परेशान मत हो गणपत भाऊ, भरोसा रखो मेरे पे। अभी जब साझे में बिजनेस किया है ना तो नुकसान नहीं होगा। भरोसा है मेरे को। चलो चाय बोल। फटो ना बाबू, फटो। हेलो। क्या रे, तू खुद को बड़ा शाना समझता है? तुझे क्या लगा तेरे कांड के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होगी? कांड? कौन बोल रहे है? ए, मैं कौन हूँ ये तुझे जानना जरूरी नहीं है। मुझे सब पता है, फोटो है मेरे पास। तुझे भी भेजिए, चेक कर अपना मोबाइल। अचानक ये सब क्या हो गया? तेरी चाची को तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं शकुन को कोई क्यों। दादा प्लीज संभालिए अपने आप। जीजा जी, ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? सुरंदा, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। मौसा जी, मासी कहाँ है? कल रात को एक फोन भी नहीं किया। मासी गुस्सा है क्या? आईने डांटा इसीलिए? आनंद, मुझे पता है ये बहुत ही टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन आपकी बीवी के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमने इन्वेस्टिगेट किया है, आपके घर पे ना ही फोर्स एंट्री हुई है ना ही कोई चोरी हुई है। इसका मतलब कातिल जो कोई भी था, शगुन उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? ये तो आप ही बता सकते हैं। हाल फिलहाल में शगुन का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या दुश्मनी? नहीं सर, वो किसी से झगड़ा करने वालों में से नहीं थी सर, काफी समझदार थी। उसे कोई चोट पहुंचाना क्यों चाहेगा? आपकी किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा? हो सकता है कि आपका गुस्सा आपके बीवी पर निकाला गया हो। नहीं सर, मेरी भी ऐसे किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मेरी अपनी एक फर्म है और शगुन मेरी फर्म का अकाउंट घर से ही संभालती थी। कल आप ऑफिस कितने बजे गए? सुबह 11 बजे के करीब। आप ऑफिस से घर कितने बजे आए? रात को 9 बजे के करीब। हाल फिलहाल में शगुन ने आपको कभी कुछ बताया था कि वो अपसेट है या किसी बात का जिक्र किया था? फोन पर इतनी अपसेट क्यों साउंड कर रही थी? कल दोपहर को उसका मूड कुछ अपसेट था, वो कह रहे थे कि मार्केट में कुछ हुआ था। कौन सा मार्केट? मेरे अंदाजे से हमारे घर के पास का LM मार्केट ही होगा। और ये बात शगुन ने आपको फोन पर बताई हो? जी, फोन पर ही बताई थी। क्या हुआ था मार्केट में? वो तो नहीं बताया सर, लेकिन काफी अपसेट थी। अभी नहीं, बाद में देता हूँ मैं। जाओ। दादू पहन दो ना प्लीज। बोला ना बाद में देता हूँ, जा अभी, परेशान मत कर। अरुण दे देना उसे पेन।
पर भाभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट है। पढ़ के तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा? दे देना उसे पेन। क्या हो रहा है अरुण, तू क्यों फालतू में उसके गुस्से को बढ़ाता है? हाँ ले, लेके जा। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया? अरे मेरी गुड़िया रानी क्यों रो रही है? आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। दुकान पर जाने पे देर हो रही होगी ना? वो आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। सुन अरुण, तू चला जा। लेकिन दादा आज मेरा टेस्ट है, मैं कैसे जा पाऊंगा? जितना बोला उतना सुन। हाँ साहब, औरत आई तो थी अपनी बेटी के साथ, बुला लिया, और जब तक मैं पैसे देता उतने में ही उनकी बेटी कहीं गुम हो गई। बेटी के साथ? जी साहब। फिर मिली इसकी बेटी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है, फिर कल दोपहर मार्केट में शगुन किस बच्ची के साथ थी? वो पलक होगी, शगुन की बहन सुनंदा की बेटी है पलक। क्या पलक मार्केट में खो गई थी? पता नहीं सर, पर शायद इसी वजह से शगुन परेशान थी। और मासी गुस्सा है क्या? आईने डांटा इसीलिए? और क्या? पलक बता रही थी कि सुनंदा ने शगुन को डांटा भी था। शगुन के मौत वाले दिन आपका शगुन के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो झगड़ा नहीं हुआ था, बस वो। बस वो क्या? एक हमें पता चला है कि शगुन मार्केट गई थी पलक के साथ में, और शायद पलक कहीं खो गई थी। हाँ सर, पलक खो गई थी, शगुन दीदी ने मुझे फोन करके बताया था। शगुन पलक से बहुत क्लोज थी, जब से पलक पैदा हुई तब से। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा अपना बच्चा नहीं था। पर सुनंदा और औरों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं सर? एक्चुअली पिछले साल सुनंदा प्रेग्नेंट थी, तो पूरा टाइम पलक हमारे घर पर रहती थी, और उनके बेटा होने के बाद शगुन ने सुनंदा से कहा था कि वो पलक को गोद लेना चाहती लीगली। सर मैं और वरुण पलक को गोद देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि मैं जानती थी कि शगुन दीदी पलक को बहुत प्यार से रखेगी। लेकिन लेकिन क्या? फिर अचानक 5 महीने बाद हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अचानक बेटे के मौत के बाद सुनंदा नहीं चाहती थी कि शगुन पलक को गोद ले। नहीं सर, वो तो फिर भी तैयार थे, हमें डर था कि वो लोग मना कर देंगे। सर कैसे मना कर देते, शगुन दीदी ने हमारी बहुत मदद की थी। जब वरुण का काम नहीं चल रहा था तब दीदी ने ही हमें पैसे दिए थे, यहाँ तक कि जब वरुण का बिजनेस नहीं चल रहा था तब शगुन दीदी ने आनंद जीजू को बोलकर वरुण को उनके ऑफिस में नौकरी भी दिलवाई थी। शगुन पलक के लिए कुछ भी कर सकती थी, पलक में उसकी जान बसती थी। पर शगुन पलक को गोद ले रही थी, इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश था कि हमारी फैमिली पूरी होने वाली थी। पलक बेटा, जिस दिन आप मौसी के साथ गोला खाने गए थे उस दिन आप खो गए थे ना, तो फिर आपको बिल्डिंग के बाहर किसने छोड़ा? पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आपकी बच्ची को ऐसे ही मार्केट से उठाकर ले आया और आप लोगों ने कंप्लेंट तक नहीं की। एक्चुअली उस इंसिडेंट के बाद पलक बहुत घबरा गई थी, और फिर उसी शाम इनकी शगुन दीदी की डेथ हो गई। क्या कोई ऐसा है जिसे पलक से कोई प्रॉब्लम है, या फिर इस बात से कि शगुन पलक को गोद ले रही थी? मनोहर चाचा थोड़े पुराने ख्यालात के, उनका कहना था कि पलक हमारा खून नहीं। तुम लोग ऐसे ही किसी को भी गोद कैसे ले सकते हो? चाचा जी, पलक कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। जो भी हो, पर वो इस परिवार का आनंद का अंश नहीं है। क्या फर्क पड़ता है चाचा जी, उसकी परवरिश तो हम दोनों मिलकर ही करेंगे ना। देखो बहू, तुम्हें लगेगा बुरा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तुम खुद आनंद को बच्चा नहीं दे पाई हो। चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, पलक को गोद लेने का फैसला हम दोनों का है, और प्लीज आप शगुन के खिलाफ कुछ भी मत बोलिए, मैं सुन नहीं पाऊंगा और आपको बुरा लग जाएगा। हाँ, सच्चाई तो यह है कि तुझे अपनी बीवी के अलावा आजकल कुछ दिखाई नहीं देता है, तू इसके प्यार में अंधा हो गया है। हाँ हो गया अंधा, अगर शगुन पलक को गोद लेना चाहती है तो हम जरूर पलक को गोद लेंगे, और ये हमारी लाइफ, मेहरबानी करके आप उसमें दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा हो। उस दिन झगड़ा हुआ था सर, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात पर कभी कुछ नहीं। मनोहर और उसके बेटे दर्पण कुलकर्णी से बात हो गई है, दोनों को थाने बुलाया सर। पापा। ओ मेरा गुड़िया रानी, आजा आजा मेरा। ज्यादा चालाकी नहीं, जैसा बोला है
5 लाख नकद चाहिए, नहीं तो तेरा कांड सबके सामने आ जाएगा। आप नहीं चाहते थे कि शगुन पलक को गोद ले? हाँ, मैं नहीं चाहता था। ये हमारे परिवार में कहीं बाहर का खून है। आपके खानदान में किसी और का खून मिल रहा था, इससे आपको प्रॉब्लम थी? या आनंद और शगुन की सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाती, इससे प्रॉब्लम थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ मैं। अगर आनंद और शगुन उस बच्ची को गोद नहीं लेते तो उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे दर्पण को मिल जाती। सर, हमारा खुद का बिजनेस है, हम क्यों आनंद दादा के पैसों पर नजर डालेंगे? ऐसे कितने भी हो, दर्पण इंसान को कमी लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे और जायदाद का मोह नहीं है मुझे, लेकिन पराया खून पराया ही होता है। और शगुन ऐसा करने वाली थी, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? शगुन आनंद की बीवी थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी, और लोग तो अपने परिवार के लिए जान तक दे देते। सर, ये आनंद के बिजनेस और प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं। सर, बिजनेस में तो शगुन और आनंद ये दोनों ही 50-50% की पार्टनरशिप पर है, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस और FD ये सिर्फ शगुन के नाम पर है। जहां पैसा होता है ना, वहां दुश्मन जरूर होते हैं। विक्टिम पे 7 बार वार किया गया है, 1 पीठ पे, 1 गर्दन पे, 2 छाती पे और 3 पेट पे। वार पूरी ताकत के साथ किया गया है। जो भी था बहुत गुस्से में था। वार किसी धारदार चीज से किया गया है, जैसे किचन नाइफ। टाइम ऑफ मर्डर? मौत दोपहर 3 और 5 के बीच में हुई है। और हाँ, मर्डर के जस्ट पहले विक्टिम ने किसी के साथ सेक्स किया। What? सीमन के कोई ट्रेसेस? नहीं। रेप के साइन या स्ट्रगलिंग मार्क्स? नहीं, सेक्स विक्टिम की मर्जी से किया गया था। बॉडी पे स्ट्रगल का कोई भी मार्क नहीं है। आनंद का कहना है वो सुबह 11 बजे ऑफिस के लिए निकला और रात 9 बजे घर पहुंचा। अगर ये बात सच है तो फिर वो कौन था जो मौत के वक्त शगुन के साथ था? सर, हो सकता है कि शगुन का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। शगुन के मोबाइल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, हमने ट्रैकिंग पर डाला है। जैसे ही मोबाइल फोन ऑन होता है हमें पता चल जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। आनंद, संभालो खुद को, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या हुआ इतनी जल्दी? अभी तो मजा ना शुरू हुआ है। दीपक, 3 बज गए और टाइम हो गया है, चलो उठो जल्दी। आज मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मजाक बहुत हो गया, चलो उठो जल्दी, उठो तैयार हो जाओ। दीपक भाव, दीपक भाव, फोन आ रहा है आपका, फोन तो उठाइए। हेलो, अभी काय को फोन किया? तेरी याद आ गई, पैसे चाहिए। दिया ना 2 लाख। बात 5 लाख रुपए की हुई थी। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कुछ टाइम। ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कल तक पैसे चाहिए कैसे भी, नहीं तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं सीधा। मैं समझ गया, मैं करता हूँ। सर, शगुन और आनंद के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड आ गए हैं। सर, शगुन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन सर, ये आनंद हमें तब से घुमा रहा है। मतलब ये आनंद झूठ बोल रहा है? हाँ सर, आनंद के फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन मर्डर हुआ दोपहर में आनंद की लोकेशन उसके घर के एरिया के आसपास थी। उसके बाद वो अपने घर से निकलकर लक्ष्मीनगर एरिया की तरफ गया। और सर, सबसे अजीब बात, उसी समय शगुन भी अपने घर से निकलकर लक्ष्मीनगर एरिया की तरफ गई थी। वहां जाने से पहले आनंद के सेल पर लास्ट कॉल किसका आया? सर, किसी कल्पना आपटे का। कल्पना मेरी पुरानी दोस्त है। और इसलिए तुमने शगुन का मर्डर कर दिया? क्या सर, मैंने शगुन का खून नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीजन तो बहुत सारे। तुम्हारे और शगुन की शादी को 10 साल हो गए थे, फिर भी शगुन तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही थी। तुम्हें कल्पना से शादी करनी थी, बच्चा चाहिए था और शगुन रास्ते का काटा थी। बच्चा तो नहीं, बीवी आती तो भी नहीं हो पाता। सर, खुद शगुन में नहीं थी, मुझ में है। मैं शगुन को मां नहीं बना सकता था। शगुन का मर्डर तुमने सिर्फ इसलिए किया
क्योंकि तुम्हारा और कल्पना अफेयर था। नहीं सर, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। तो शगुन को ऐसा क्यों लग रहा था? क्या क्या ये सच नहीं है? शगुन के मर्डर के जस्ट पहले उसने तुम्हें और कल्पना को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाँ सर, दो तीन दिन पहले ये यहाँ आई थी, बहुत हंगामा हुआ था। तुम्हें क्या लगा था ना? हाँ, मेरी पीठ पीछे तुम इससे मिलते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? शगुन मेरी बात, प्लीज प्लीज आनंद, मैं अब तक सोच रही थी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी, ये भूल गई थी कि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। शगुन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम दोपहर को घर आए थे, शगुन से मिले थे, इनफैक्ट तुम दोनों के बीच सेक्स भी हुआ था। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। शगुन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत से पहले वो फिजिकली एक्टिव थी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। शगुन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। शगुन की बॉडी पर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि शगुन का किसी के साथ अफेयर था इसलिए तुमने उसे मार डाला? नहीं, शगुन का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। पर तुम्हारा अफेयर था। उस दिन घर से निकलकर तुम कल्पना से मिलने लक्ष्मी नगर आए थे। कल्पना तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त नहीं, शायद तुम्हारा पुराना प्यार था, इसलिए तुमने और कल्पना ने मिलकर शगुन को रास्ते से हटा दिया। सर, कल्पना, हमारे पास सारे सबूत हैं। कल्पना के पड़ोसियों ने स्टेटमेंट भी दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम सच बता दो। हाँ सर, मैं और कल्पना कॉलेज टाइम पर साथ में थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन सर, वो 15 साल पुरानी बात है। कॉलेज के बाद हम दोनों अलग हो गए थे और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। तो तुम अपनी बीवी की नापसंदी के बावजूद भी कल्पना से मिलने जाते थे, उसे झूठ बोल कर। सर, एक्चुअली मैं, बात यह है कि रिसेंटली मेरा डिवोर्स हुआ है और मुझे मेरे फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर एडवाइस चाहिए थी। इसी सिलसिले में आनंद मेरे घर आए थे शगुन को बिना बताए, और अचानक शगुन भी मेरे घर आ गई। तो शगुन चले जाने के बाद तुम डर गए, तुम्हें लगा शायद वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी और तुम्हारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी शगुन के नाम पर। इसलिए प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों ने मिलकर शगुन को मार डाला। नहीं सर, कल्पना के घर से निकलने के बाद तुम सीधे ऑफिस गए, पर इस बार चालक इसे अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ा। फिर घर आए, शगुन को मनाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर उसे मार डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं ऑफिस में ही था, सीधा रात को घर के लिए निकला था। सर, आप चाहे तो मेरी कंसल्टेंसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो लोग बताएंगे कि मैं ऑफिस पर ही था। ये क्या कर रहे हैं आप? तू मेरी पत्नी है, तू छू भी नहीं सकता क्या? इतना कैसे बदल गए आप अचानक? इसे ना माँ के पास छोड़ गया। मैं तेरे को बताता हूँ मैं कितना बदल गया। वो जाने का है। कहाँ? वो दुकान जाने का है। पर अभी? पता है, पर ये काम भी जरूरी है ना। सर, एक नई लीड हाथ लगी है। 12 तारीख को पलक जिस मार्केट से गायब हुई थी, एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, ठीक उसी वक्त का। सर, ये एटीएम मार्केट से थोड़ी दूर है, ज्यादा चहल पहल नहीं रहती यहाँ पर। आनंद दादा को बहुत मानता हूँ, शगुन भाभी बहुत अच्छी है। इतना छूट, ये सारा प्लान तेरा था ना? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया ना ये सब कुछ? प्लान? कौन सा प्लान? संतोष आहूजा दोस्त है ना तेरा। ये तेरी गाड़ी है ना, 3X4X6? बालून वाले अंकल रुको। अरे पलक बेटा, आप यहाँ? बेटा आपकी मासी आपको ढूंढ रही है। चलो मैं आपकी मासी के पास लेके चलूँ, ठीक है? संतोष को कितने पैसे दिए थे पलक को उठाने के लिए? इंस्पेक्टर साहब, तर्पण ने कुछ नहीं किया, संतोष को पैसे मैंने दिए थे।
मैं नहीं चाहता था कि शगुन पलक को गोद ले और सब कुछ उसके नाम कर दे। आनंद ने अपना सब कुछ बनाया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन जिस घर में वो रहता है वो मेरे पिता ने बनवाया था, उस पर मेरे बेटे का भी हक बनता है। लेकिन वो घर तो आनंद के नाम पर था और बाद में उसने वो घर शगुन के नाम पर कर दिया था। लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दे सकता था। पर इसमें शगुन की क्या गलती थी? गलती थी, मुझे पता चला कि शगुन और आनंद को बच्चा नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि आखिरकार भगवान ने मेरे बेटे दर्पण के साथ न्याय किया और आगे जाके आनंद की सारी प्रॉपर्टी दर्पण और उसके बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तब मैंने संतोष को पैसे दिए और उससे कहा कि वो पलक को तब उठाए जब वो शगुन के साथ हो, ताकि पलक के माँ बाप को शगुन लापरवाह लगे और वो उसे पलक ना दे। लेकिन फिर आपको लगा कि शायद इससे भी आपका काम ना हो, इसलिए सेफर साइड आपने शगुन को ही मरवा दिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो आदमी खुद के फायदे के लिए एक छोटी बच्ची को किडनैप करवा सकता है, ऐसे आदमी के जुबान का कौन भरोसा करेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस वही रोज का ड्रामा। तूने मेरा काम किया क्या? हाँ, मेरी चाचा जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि तेरे को अपनी साड़ी की शॉप पे लगवा देंगे और वहाँ तुझे रहने की भी जगह मिल जाएगी। लेकिन तू ये बता कि अपना पढ़ाई घर सब छोड़कर दिल्ली क्यों जा रहा है? बस यार बहुत हो गया, अभी अब सहन नहीं होता मुझसे। और सर, शगुन के बहनों ही वरुण के बैंक डिटेल्स में कुछ अजीब मिला है। सर, ऐसी 3 कंपनीज हैं जो वरुण को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आनंद के क्लाइंट से डायरेक्ट डील करता था, जिसके बारे में आनंद को पता ही नहीं। हाँ सर, लेकिन शायद किसी को पता चल गया। मेरे गहने का अरुण? मुझे क्या पता? मुझे अच्छे से पता है कि तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? आपके भाई ने मेरे गहने चोरी किए और मुझे वो वापस चाहिए। दादा, भाभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुझे घर पे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? लेकिन दादा, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। झूठ बोल। ऐसा करते इसको पुलिस में दे देते। हाँ ये सही है, बुलाइए पुलिस को, फिर पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। ठीक है। ए रुक, तमाशा क्यों कर रही है? भाई ये मेरा। तुम्हारी बीवी ने हमें बताया कि शगुन ने तुम लोगों की काफी हेल्प की थी, तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे भी दिए थे। जी। और जब कुछ नहीं चला आनंद के ऑफिस में तुम्हें जॉब भी दिलवा दी, और जैसे ही तुमने आनंद की कंसल्टेंसी ज्वाइन की फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। हमें पता चल गया है वरुण कि आनंद के क्लाइंट से तुम डायरेक्ट डील करते थे और काफी मुनाफा भी कमाया था। जाहिर सी बात है ये बात शगुन को पता चली होगी और उसे गुस्सा भी आया कि शगुन के अकाउंट से कुछ मेल मिले हैं जो उसने वरुण को भेजे थे। शगुन ने आनंद की कंसल्टेंसी में अकाउंट्स का काम देखना शुरू किया, उसे पता चल गया था कि वरुण आनंद की कंपनी में फ्रॉड कर रहा है। मैं मानता हूं कि मैंने कंपनी के पिछले अकाउंटेंट शर्मा के साथ मिलकर कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट्स में हेरफेर की थी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी सर। वरुण आनंद ने बहुत मेहनत करके खुद से कंपनी खड़ी की है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, और फिर इतने कॉन्फिडेंट भी हो कि मैं आनंद से जाके कुछ नहीं कहूंगी, क्यों? देखो मेरा जो होगा सो होगा, अपनी बहन सुनंदा का सोचो, क्या बीतेगी उसमें? अपनी बेटी दे रहा हूं तुम्हें शगुन, एहसान मानना चाहिए मेरा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी मेरी बेटी की वजह से पूरी हो रही है। मैंने शगुन से माफी मांग ली थी सर, जो भी मैंने हेर फेर किया था वो सारे पैसे लौटा दिए थे उसे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब आप ही बताइए मैं शगुन को क्यों मारूंगा सर? सर, मैंने आनंद के ऑफिस में बात की है, पता चला है कि 12 जून को कल्पना से मिलने के बाद वो रात तक ऑफिस में ही था। और ये दर्पण और मनोहर? सर, ये दोनों भी अपने घर पे थे। तावड़े, इन सब में एक बात समझ में नहीं आई, अगर आनंद सच बोल रहा है तो क्या वाकई शगुन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? और किसके साथ? क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस सब कुछ थे। ये माजरा समझ में नहीं आ रहा, शगुन का अफेयर था या नहीं था? शगुन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत से पहले वो फिजिकली एक्टिव थी। क्या शगुन आनंद के साथ ही थी और आनंद ने ही शगुन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे मार डाला, या फिर शगुन की मौत के पीछे मनोहर का हाथ था, क्योंकि मनोहर चाहता था कि शगुन पलक को गोद ना ले और शगुन और आनंद की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे दर्पण के हाथ आ जाए, या फिर इस सबके पीछे वरुण था जिसके धोखे के बारे में शगुन को पता चल गया था। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने इस केस की दिशा बदल दी।
अखिलेश मिश्रा जी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस छोटे मोटे हाथ मारता हूँ। छोटे मोटे हाथ मारते मारते आदमी का बड़े हाथ मारना शुरू करता है ना, पता भी नहीं चलता। फटाफट बता दे शगुन को कैसे जानते हो, किसने सुपारी दी थी और उसका फोन कहाँ है? आई शपथ साहब, मैं नहीं जानता किसी शगुन को और मैंने नहीं मारा उसको, और मेरे पास उसका फोन भी नहीं है साहब। तो तेरा सिम उसके मोबाइल में कैसे आया? कौन सा सिम? 440908 तेरा ही नंबर है ना? हाँ साहब मेरा ही नंबर है, पर ये पुराना नंबर है, 3 दिन पहले बदला है साहब। अच्छा, मर्डर करने के बाद नंबर भी बदल दिया? साहब मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो वो दुकानदार से पूछ लो ना साहब। बीबी के जेवर बेच के लाया, पूरे 3 लाख है, 2 लाख पहले का, 3, 8, 5 हिसाब बराबर। इस अखिलेश ने यही से सिम खरीदा था? हाँ साहब, ये तो हर 3 महीने में सिम बदलता है। इसका पुराना सिम कहाँ पर है? इसने हमसे कहा था कि इसने यही फेंका। अक्सर यहाँ लोग पुराने सिम फेंक जाते हैं, फिर हम लोग उन्हें सेकंड हैंड मोबाइल में डाल के वो मोबाइल चेक करते हैं। अखिलेश का सिम आज सुबह ही एक्टिव हुआ है, किसी महंगे स्मार्टफोन में डाला था उसने। आज सुबह कुछ 4 फोन हमने रिपेयर में डाले। देखा ये फोन किसने बेचा था? वो आदमी और एक फोन ठीक करवाने आया था। हमारे पास जितने भी मोबाइल रिपेयर होते हैं ना, मैं सबका नंबर लिखता हूँ। नंबर दो उसका, बोलो। बाबू पैसों की बहुत जरूरत थी। ऐसे अचानक क्या आफत आ गई? वो ए, अंदर जा। जी। बोलो कितने चाहिए? 1 लाख। जिस आदमी ने शगुन का फोन बेचा था उसका नाम दीपक काले है, ये उसकी कॉल लिस्ट है सर। और सर इतना ही नहीं, ये दीपक काले प्रकाश सुरवे के लगातार टच में था। प्रकाश सुरवे? वो हिस्ट्री शीटर? बेटा थोड़ा सा। अच्छा एक स्पून रोटी दे। ला रही हूँ। मम्मी देखिएगा कौन है। तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? रोटी ला के देना। ला रही हूँ। तुझे 56 वो गम कराते। अरे कहाँ ले जा रहे हैं उसे? अरे हुआ क्या? साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर प्रकाश सुरवे को कैसे जानते हो? वो प्रकाश मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। किसलिए? गणपत भाव मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और उनकी पत्नी मीना के साथ मेरा आज मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मजाक बहुत अच्छा, चलो उठो अभी, लेट हो रहा है। साहब वो प्रकाश गणपत भाव का दूर का रिश्तेदार है, मुझे सब पता है। फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करने लगा, बोला अगर पैसा नहीं दिया तो वो फोटो लेके वो गणपत भाव को दे देगा। गणपत भाव बहुत खतरनाक आदमी, वो मेरे को मार डालता। साले शगुन को क्यों मारा वो बता। शगुन? नहीं साहब, शगुन जी मेरी दूर के रिश्तेदार है, मैं एक दूसरे को जानते हैं लेकिन कभी ऐसा कोई बात बात नहीं होती। तो फिर शगुन का फोन तेरे पास कैसे आया? उनका फोन मेरे पास नहीं साहब। 478967 ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ सर। तुम्हारा फोन खराब हो गया, रिपेयरिंग के लिए दिया था ना? हाँ लेकिन। और वही तूने शगुन का मोबाइल बेचा था? नहीं साहब, मैंने कोई फोन नहीं बेचा, मैं तो मार्केट गया भी नहीं। अरुण काले चल, तेरे भाई ने बुलाया। अरुण काले, शगुन की कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर एक बार भी नहीं दिखाई दिया। तुम्हारे भाई का कहना है कि तुम दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हो लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं, फिर तुमने शगुन को क्यों मारा? कोई ऐसी चीज है जिसकी आपने बचपन से ही चाह की हो और हर बार आपकी उम्मीद टूटी हो, जो कुछ भी बच गया वो सिर्फ और सिर्फ मलाल हो, फिर अचानक आपको वो चीज़ एक दिन मिल जाती हो, मन में से मलाल हटकर प्यार भर जाता है और फिर अचानक से पता चलता है कि सब कुछ एक धोखा था, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था मेरा, और मुझे धोखा शगुन ने दिया था। अरे आप यहाँ? अरुण, शगुन मेरी दूर की रिश्तेदार थी, हमारी मुलाकात अचानक हुई कुछ 9-10 महीने पहले और फिर हमारे मिलने का सिलसिला कभी थमा ही नहीं। हमारी बातें कब मिनटों से घंटों और घंटों से दिनों में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला, और मैं तो चुप ही नहीं होना चाहता था, शायद जिंदगी में पहली बार कोई मुझे सुन रहा था, समझ रहा था। हम हर तरह से करीब हैं, मन से, जिस्म से,
मैं शगुन से प्यार करने लगा था। असल में प्यार शब्द ही छोटा लगने लगा। और फिर तुमने अपने प्यार की ही हत्या कर दी। हत्या मैंने नहीं, शगुन ने की थी। एक महीने पहले अचानक उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी वो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। हमारे बीच में कुछ नहीं है अरुण, तुम जाओ यहां से, जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हो शगुन? हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अरुण, समझो। और तुम भी मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। भूल जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बाय बोलने से पहले एक आखिरी बार, एक बार प्लीज। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे? क्योंकि मैं सब जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। क्या तुम गलत समझ रहे हो अरुण? अगर तुम मुझसे नहीं अपने पति से प्यार करती ना, तो आज उसे धोखा देकर मेरी बाहों में नहीं होती। अरुण, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे रिश्ते पे कुछ भी बोलने के लिए। राइट नहीं है मतलब? शगुन बात को समझो, तुम अपने पति को धोखा दे रही हो क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अरुण, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति आनंद से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे रिश्ता बनाया क्योंकि क्योंकि मैं क्योंकि क्या शगुन? शगुन मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी इस चुप्पी का और कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब है अरुण, मतलब है। मैंने तुमसे रिश्ता बनाया क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए था जो मुझे आनंद से कभी नहीं मिल सकता। सॉरी अरुण, लेकिन सिर्फ यही रीजन है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया। मतलब तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया? नहीं अरुण, नहीं। तुम सबको सिर्फ इस्तेमाल ही करना आता है लोगों का, किसी के फीलिंग्स की कदर ही नहीं है जरा भी। और मैं तुमसे प्यार कर बैठा, मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, तुम अलग हो सबसे, लेकिन नहीं, तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। मैंने उन्हें धोखा दिया? तुम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता, यहां तक कि शगुन के कॉल लॉग में तुम्हारा नंबर भी नहीं था। हाँ, क्योंकि पिछले एक महीने से हमारी बातें बंद हो गई थी, और उससे पहले भी ज्यादा करके हम चैट्स पर ही बातें किया करते थे, इसलिए तुम्हें लगा तुम बच जाओगे। नहीं सर, शगुन को लगा था कि वो बच जाएगी, वो आगे बढ़ना चाहती थी अपने पति और अपने बच्चे के साथ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई और तुम उससे ऊपर उठ सकते, आगे बढ़ सकते, पर अफसोस तुमने जुर्म का रास्ता। शगुन की सच्चाई जानकर आनंद को गहरी ठेस पहुंची थी, सुनंदा और पलक को भी गहरी ठेस पहुंची थी। दोनों शगुन के जाने का गम भुला नहीं पा रहे थे। दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब कभी हम इसे अपनी जिंदगी बना लेते हैं तब जीवन को नर्क बनते देर नहीं लगती। दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती है, सबको कोई ना कोई परेशानी जरूर सताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी परेशानी की आड़ में हर कोई जुर्म के रास्ते पर निकल पड़े। अपने दुख को भूल पाना आसान नहीं होता है, लेकिन उस मलाल को सीने में बना देना भी अच्छा नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।